press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर शहर कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत मनुमर्ग स्थित एक वकील के घर पर चार नकाबपोश बदमाशों ने घर में पहुंचकर दंपत्ति को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। परिवारजन करीब एक घंटे तक बंधक रहे और यह बदमाश हथियारों से लैस थे और वकील के सिर में चोट से गंभीर प्रहार किया जिससे वह घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अलवर शहर कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत मनुमार्ग स्थित D32 में शाम करीब 8 बजे बाइक पर सवार चार नकाबपोश सशस्त्र बदमाश एडवोकेट घनश्याम गुप्ता के मकान में घुसे और अंदर घुसते ही दोनों पति पत्नी को उन्होंने बंधक बना लिया। बदमाश इस घर में करीब एक घंटा रहे और पूरे कमरों की तलाशी लेकर और अलमारी के ताले वगैरह तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 3 लाख रुपए नकद ले गए। वकील के घर पर मकान निर्माण कार्य चल रहा था इसलिए घर पर नकदी रखी हुई थी। बदमाशों ने घनश्याम दास गुप्ता के सिर पर हथियारों से वार किया जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए। महिला ने भी जेवरात पहने हुए थे वे उतार कर ले गए। एक घंटे तक लूटपाट करने के बाद बदमाश फरार हो गए। वकील ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर दी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने इसकी सूचना अलवर शहर के नव निर्वाचित विधायक संजय शर्मा और कांग्रेस के प्रत्याशी रही श्वेता सैनी को दी। इन दोनों ने पुलिस को सूचना दी। उसके तुरंत बाद ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक सहित कोतवाली थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और घटनाक्रम की जानकारी ली। परिवारजन पूरी तरह घबराए हुए हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालना शुरू कर दिया है लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। वकील के पड़ोस में रहने वाली एक महिला के अनुसार शाम जब वह अपने घर आए रिश्तेदारों को बाहर सड़क पर छोड़ने आई तो चार जने आसपास घूमते हुए नजर आए। हो सकता है कि वही युवक रैकी कर रहे हों। क्या हुआ? चार लड़के आए घर में, यंग एज के थे बिल्कुल, और उन्होंने आते ही बस मुंह पे टेप लगा दिया हमारे जाने के। मैं गेट बंद करने के लिए आ रही थी, इतने में घुस आए चार, गेट बंद कर रही थी। हाँ, हथियार थे, बंदूकें थी सबके पास। अच्छा। मैं बंद कर रही थी, इतने में तो उन्होंने धक्का दे दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैं चिल्लाई, मेरे हस्बैंड आए, इन्होंने सोचा कि शायद बंदर आए होंगे इसलिए चिल्लाई गई है। तो वो उठ कर आए बेड पे से तो उनके यहाँ पर उसने मार दी बंदूक से सिर में। फिर बोले आप चिल्लाओगे तो आपको जान से मार दूंगा। कोई धारदार हथियार था उनके पास? नहीं, शायद देखा नहीं, बंदूकें तो थी। आपस में किस भाषा से ये बात करते हो? ये नॉर्मल जैसे बोलते हैं, अलवर की लैंग्वेज है? नहीं, अलवर की तो ऐसे विशेष नहीं थी, कुछ जैसे बात करते हैं ऐसी थी। अच्छा, आपको आते ही कुछ बोला उन्होंने? नहीं, बस कुछ भी नहीं बोला, जो भी तुम्हारे पास है सब चीज निकाल दो और नहीं तो हम मार के जाएंगे तुमको। नहीं बोला कि तेरे हस्बैंड को मार के जाएंगे। बाकी आपने कुछ चाबी या सामान दिया? हाँ, दिया सारा सामान। अलमारी की चाबी तो मेरे अलमारी में लगी रहती है हमेशा ही, बंद ही नहीं करती। और घर का हाथ का जो पहन रखा था वो सारा ले गया। मतलब गले के जो टॉप्स और आपकी चैन चूड़ियाँ सब, चारों चूड़ियाँ जो डेली में पहनते थे। मित्र हूँ, हम एक शादी में गए हुए थे, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट टाइम रोते हुए फोन किया मेरे घर में डाका पड़ गया है, तो हमने वहाँ से स्टार्ट होने से पहले अपने शादी में जो लोग थे, हमने बच्चे थे जो उनको सबको बताया हमने, उसके बताने के बाद और मैंने 100 नंबर पे 15 बार फोन किया पर नो रेस्पॉन्स। उसकी डिटेल मेरे पास है। क्या मामला? मामला यहाँ पे जैसा उन्होंने आने के बाद बताया कि सब यहाँ पे चार गुंडे घर में घुसे और एक घंटे तक उन्होंने लूटपाट की। पूरे एक घंटे पूरा लूटपाट करने के बाद इनको बंद करके और वो चले गए। और उनको हथियार थे, दो रिवॉल्वर थे, दो वाले। अच्छा, और वो ये नहीं मालूम किस पे आए थे, ये तो उनको नहीं मालूम था। नकाब लगा कर सबने रुमाल बांधे हुए थे, सब टेप लगा के और पीछे मुंह करके उनको बैठा दिया और उनके मिसेस को मारते पीटते रहे। तो उनका जो आप कुछ भी दिखता है यहाँ पे सब कुछ आप ले जाइए यहाँ से। कितना कैश ले गए हैं, कितना गोल्ड ले गए हैं? कैश का कोई आइडिया नहीं है इन्होंने। 19-20 लाख रुपये मकान का काम चल रहा है, 19-20 लाख रुपये इन्होंने कैश निकाला हुआ था और उसमें से उनको ध्यान नहीं, 2 लाख की गड्डी तो उनको याद है, बाकी और कितना ले गए वो उनको आइडिया नहीं है। बाकी चांदी और सोना तकरीबन 20-25 लाख रुपये का माल वो
तो यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है घर पे? नहीं, सीसीटीवी कैमरे होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, तो फिर पुलिस आई है मौके पे? हाँ, मौके पे पुलिस आई है। मैंने अपने संजय शर्मा जी को और दीपेंद्र जी को, दोनों को मैंने फ़ोन किया, मैंने सर 100 नंबर पे कोई फ़ोन नहीं उठाया। और फिर बाकी सब यार मित्र दोस्त सब लोग यहाँ आ गए। फिर मैं घनश्याम जी को आने के बाद डॉक्टर हरीश जी के हॉस्पिटल ले गया और उनका पूरा बैंडेज वगैरह करा के फिर मैं उनको यहाँ ले गया। इस घटना ने अलवर शहर में अमन चैन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। विगत 15 दिनों में यह तीसरी बड़ी वारदात है जिसने अलवर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कोतवाली इलाके के वसंत विहार में इसी तरह नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे थे और डंडा मारकर महिला के गले से मंगलसूत्र लेकर चले गए थे, लेकिन वह मंगलसूत्र नकली था। लेकिन इतनी बड़ी वारदात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। अभी 4 दिन पहले ही अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड में अलवर अगार के डिपो में घुसकर बदमाशों ने कैश लूटने का प्रयास किया था, लेकिन कर्मचारियों की सतर्कता से यह प्रयास विफल हो गया। उस वक्त डिपो में करीब 40 लाख रुपए थे। अभी अलवर कोतवाली पुलिस पिछले 2 मामलों को भी नहीं खोल पाई थी कि आज रात इस मामले ने फिर पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।